वेलकम बैक टू डुडुल की रसोई। और आज मैं मेरी रसोई में बनाने जा रही हूँ नारियल, मूंगफली और लहसुन की सूखी चटनी। तो चलिए देखते हैं कि इस चटनी को बनाने के लिए मैंने कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लिए हुए हैं। मैंने यहाँ लिया हुआ है 50 ग्राम हरी मिर्च, ये मैंने धो लिया है, 50 ग्राम रोस्टेड पीनट्स, 50 ग्राम सूखा नारियल, इसे मैंने कट कर लिया हुआ है, 20 से 25 लहसुन की कलियां, एक चुटकी हींग, एक टीस्पून जीरा, नमक स्वाद के अनुसार। अब हम एक पैन में हाफ टीस्पून तेल डालकर गरम करेंगे और कुछ चीजों को इसमें डालकर भून लेते हैं। जीरा, हरी मिर्च, लहसुन, नारियल। मैंने मेरे बादाम जो थे वो रोस्ट करके रखे हुए थे, इसलिए मैं इस बादाम को इसमें मिक्स नहीं कर रही हूँ। अब इन चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमें इन्हें मध्यम आंच पर 4 से 5 मिनट भूनना है। तो 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, अब मैं गैस बंद करके इसे एक प्लेट में निकालकर ठंडा होने देती हूँ। ये मिक्सचर ठंडा हो चुका है, अब हम इसे मिक्सर के जार में डालकर चटनी बना लेते हैं। ये चटनी पिस चुकी है, इसे हमें हल्का दरदरा ही पीसना था। अब हम इसे एक एयर टाइट कंटेनर में निकाल कर रख लेते हैं। ये चटनी अब खाने के लिए तैयार है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चटनी पसंद आई होगी और आप इसे एक बार अपनी रसोई में बनाने की जरूर कोशिश करोगे।